डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई। मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में लगेगा, पैसा बैंकों की तिजोरियों में बंद पड़ा रहेगा, विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मुंबई का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? मुंबई के लोग, यहां के सामान्य जन परेशानियां झेलते रहे, ये शहर विकास के लिए तरसता रहे, ये स्थिति 21वीं सदी के भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है, और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकती है। मैं मुंबई के लोगों की हर परेशानी को समझते हुए बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रख रहा हूं, भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, कभी विकास के आगे राजनीति को नहीं आने देती। विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें कभी विकास के कार्यों पर ब्रेक नहीं लगाती। लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा होते बार बार देखा है। पीएम स्वनिधि योजना भी इसका एक उदाहरण है। हमारे शहरों में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, ये काम करने वाले साथी जो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, उनके लिए हमने पहली बार योजना चलाई। हमने इन छोटे व्यापारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण निश्चित किया। देश भर में लगभग 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी 5 लाख साथियों को ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। आज भी 1 लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई, जिसका नुकसान इन सभी लाभार्थियों को उठाना पड़ा। ऐसा फिर ना हो, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई तक सबका प्रयास लगे, बेहतर तालमेल वाली व्यवस्था बने। साथियों, हमें याद रखना है कि स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये रेहड़ी पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। ये स्वनिधि स्वाभिमान की जड़ी बूटी है। मुझे बताया गया है कि स्वनिधि के लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग के लिए मुंबई में 325 कैंप लगाए गए, जिसके चलते हमारे रेहड़ी पटरी वाले हजारों साथी डिजिटल लेन देन शुरू कर चुके हैं। ये सुनकर अनेक लोग चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में देश भर में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है।
जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम लोग किसी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं, उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैठे हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से 50,000 करोड़ रुपए का काम किया है।